आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है और कंपाउंडिंग कैसे हमें एक मैजिकल रिटर्न देता है, और इसको हम स्टॉक मार्केट में एक शेयर में आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे कि उस शेयर ने कैसे कंपाउंडिंग के द्वारा आपके 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको 2 करोड़ से ज्यादा का रिटर्न दिया। देखिए, कंपाउंडिंग के मैजिक को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट से। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कैसे काम करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। हमने यहाँ इनिशियल अमाउंट 5 लाख रुपीज लिया है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, और ये कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा मैजिकल होते जाएगा ओवर द 30 इयर्स। आपने बहुत थ्योरी में सुना होगा कि यही से कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो जाता वो हो जाता, होता कैसे है यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट से अगर आप 20% यहाँ पर हमने इंटरेस्ट को लिया है तो यहाँ पर @20% भी लिख देते हम, जो रिटर्न होगा स्टॉक मार्केट में 20% आपको इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा रिटर्न परसेंटेज होगा वो 20% होगा दोनों में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में। तो 20% हो गया, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और सिंपल इंटरेस्ट में भी 20% का रेट है हमारा। तो 20% 5 लाख का निकाल दीजिए तो आपका हो जाएगा 1 लाख। तो फर्स्ट ईयर के बाद मतलब 1 साल के बाद आपका जो अमाउंट हो जाएगा 6 लाख। तो और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 20% का रेट है तो कितना हो जाएगा 6 लाख। तो फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये डिफरेंस होता क्या है लॉन्ग टाइम पीरियड में, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस आप जितना लॉन्ग टर्म में जाएंगे उतना ज्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि 17 इयर्स में जो 5 लाख अमाउंट है आपका वो हो जाएगा 1 करोड़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 20% आप फर्स्ट 1 करोड़ आपको कमाने में अर्न करने में 17 इयर्स लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो मैजिक होगा मात्र देखिए यहाँ पर 4 साल में आप 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अर्न कर लेंगे। वहीं सिंपल इंटरेस्ट देखिए 17 इयर्स में आपका अमाउंट कितना हो गया 17 लाख, 17 इयर्स में 17 लाख। वहीं इसको अमाउंट को डबल करना है अगर सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको कुल 10 साल लग जाएंगे। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो अमाउंट है उसको डबल होने में 20% के रेट से मात्र 4 साल लगेंगे, 4 साल में आपका अमाउंट जो डबल से ज्यादा हो जाएगा। फिर 21 इयर्स में आपने देखा ये 21 लाख हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से, जबकि ये आपका अमाउंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से 21 इयर्स में 2.3 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैजिकल डिफरेंस देखिए, यहाँ पर जो है डिफरेंस जो हमारा 5 लाख का अमाउंट जो है सिंपल इंटरेस्ट से 21 लाख हुआ 21 ईयर में, तो ये यहाँ 1 करोड़ 30 लाख हो गया, 2 करोड़ 30 लाख 21 ईयर में, 2 करोड़ का डिफरेंस हो गया मात्र 21 सालों में। जितना लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ दीजिएगा उतना ज्यादा डिफरेंस होगा। डिफरेंस कहाँ से देखने मिला, सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर आपका दोनों सेम रहेगा, सेकेंड ईयर से जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें जो इंटरेस्ट था 1 लाख रुपीज का उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलने लगा। दूसरे साल जो इंटरेस्ट होगा, पहला साल जो इंटरेस्ट होगा, अब दोनों पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये होता है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। अब देखिए 23 इयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसके अनुसार आपका जो अमाउंट हो जाएगा 23 लाख, वहीं 23 इयर्स में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका अमाउंट हो जाएगा 3.31 करोड़, और 25 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट से आपका अमाउंट हो जाएगा 25 लाख, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका अमाउंट हो जाएगा 4.76 करोड़, और फिर वही सिंपल इंटरेस्ट से 30 इयर्स में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट हो जाएगा वो 30 लाख हो जाएगा, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो 11.86 करोड़ हो जाएगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिकल रिटर्न। देखिए, जो 5 लाख का अमाउंट था 30 इयर्स में आपका वो 30 लाख हुआ सिंपल इंटरेस्ट से, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट से वो अमाउंट हो गया आपका लगभग 12 करोड़। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिकल रिटर्न, जो कि लॉन्गर टाइम में आपको काफी बेनिफिट करता है। देखिए, यहाँ 20% हमने रिटर्न लिया है, 20% रिटर्न अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं इजिली आपको मिल सकता है, नहीं मिले तो 10% मिलेगा। 10% से भी अगर आप यहाँ पर लगाते हैं म्यूचुअल फंड में लगाते हैं 15% तो इजिली मिल जाता है, अगर अपने से स्टॉक में लगाते हैं 20% आपको इजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर 10% का भी रिटर्न होगा तो भी आपका ये 1.5 करोड़ होगा, जबकि यहाँ पर देख लीजिए ये कितना है मात्र 30 लाख। तो सिर्फ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल में मात्र हम 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे 1993 में, 93 में, और वो 10,000 जो रिटर्न है आपको वो 2 करोड़ 25 लाख मिलेगा अभी रिटर्न एक मात्र शेयर में। यहाँ पर जो हम एग्जांपल में लेने जा रहे हैं वो शेयर है हमारा मदरसा सुम्मी। आप बहुत सारे शेयर हैं जो आगे आपको देखने मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है
वो हम आपको आगे कई सारे वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे कौन से शेयर ने कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके काफ़ी सारे मैजिकल रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो 10,000 का होगा, 41 रुपीज अप्रोक्स का शेयर प्राइस था 93 में, और वहाँ से हम कितना बाय कर सकते थे, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते तो 250 क्वांटिटी हम बाय कर सकते थे, फेस वैल्यू 10 था स्टॉक का, और इनिशियल ईयर जो हमारा 93 है, 10,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। 1997 में कंपनी बोनस लेकर आती है 1:2 के बोनस के कारण आपका जो 250 शेयर था वो हो गया यहाँ पर 1:2 बोनस के कारण 375, मतलब दो शेयर पे आपको एक शेयर यहाँ पर फ्री दिया गया बोनस शेयर में, तो यहाँ पर इसका जो दो शेयर पे एक शेयर तो 250 शेयर है, तो इसका हाफ कर दीजिए, 125 शेयर आपको फ्री मिलेंगे, तो 125 शेयर फ्री मिलेंगे, 250 पहले से था, ऐड कर दीजिए 375 शेयर, 375 शेयर आपके पास टोटल हो गया। फिर कंपनी 2000 में बोनस लेकर आती है 1:2 का, तो टोटल शेयर आपका हो गया फिर 562। फिर 2002 में कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है फेस वैल्यू 5 में, तो 10 से 5 में फेस वैल्यू का स्प्लिट हो रहा है, तो इसी रेशियो में, जिस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट हुआ उसी रेशियो में नंबर ऑफ शेयर्स आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर हाफ हुआ है फेस वैल्यू, तो शेयर डबल हो जाएंगे। फिर 2004 में कंपनी अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट करता है रुपीज 1 में, तो अभी 5 रुपीज़ था फेस वैल्यू, 1 रुपीज़ में स्प्लिट किया, तो यहाँ पर जो है फेस वैल्यू 5 के रेशियो में कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया 5,620। 2005 में कंपनी बोनस लेकर आती है 1:2 का, तो यहाँ पर 1:2 के बोनस के कारण फिर से आपका जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया 8,430। फिर 2007 में कंपनी बोनस लेकर आती है 1:2 का, जिससे ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है बढ़कर के हो गया आपका 12,645। फिर 2012 में कंपनी बोनस लेकर आती है 1:2 का, फिर से ये नंबर ऑफ शेयर्स आपका हो गया 18,967। फिर 2013 में कंपनी बोनस लेकर आती है 1:2 का, जिससे ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के हो गया 28,450। फिर 2015 में कंपनी बोनस लेकर आती है 1:2 का, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ के हो गया 42,675। फिर 2017 में कंपनी बोनस लेकर आती है 1:2 का, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ के हो गए 64,012। फिर 2018 में कंपनी बोनस लेकर आती है 1:2 का, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ करके हो गया 96,018। तो टोटल शेयर जो आपके पास अब हो गए 96,018, और आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, मात्र 10,000 का अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था, 250 क्वांटिटी मतलब 250 शेयर आपने बाय किया था, अब नंबर ऑफ शेयर्स आपके हो गए 96,000, तो आपका अमाउंट कितना होगा, तो अब जो अमाउंट होगा उसको हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी जो करेंट प्राइस है मदरसन सुमी का 235 रुपये है, 235 रुपीज इसका करेंट प्राइस है, 96,018 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 235 से, तो टोटल अमाउंट आपका जाएगा 2,25,00,000। तो 2,25,00,000 अभी करेंट अमाउंट आपका होगा, जो अमाउंट आपने 93 में 10,000 का इन्वेस्ट किया था मदरसन सुमी में, वो अमाउंट हो चुका 2,25,00,000। बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत सारे आदमी के पास उस समय 10,000 अमाउंट नहीं हुआ करता था, अगर आप 10,000 अमाउंट नहीं तो 1,000 अमाउंट भी इन्वेस्ट करते 1,000 अमाउंट तो भी 22,00,000, अगर 100 रुपया भी इन्वेस्ट करते तो लगभग 2.25 लाख होता। तो ये कंपाउंडिंग का मैजिकल रिटर्न है जो कि मदरसन सुमी ने दिया। साथ ही साथ एक सेक्रेट जो यहाँ पर और बचा हुआ है, देखिए अप्रोक्स आप जो है एनुअल 2,00,000 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पर प्राप्त करते, थोड़ा सा ऑटो सेक्टर में अभी जो है आपको उतना तेजी देखने नहीं मिला, जिसके कारण आपको यहाँ पर कम डिविडेंड अभी मिलेगा। इस तरह से आप डिविडेंड से भी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर आप जो पिछले 10 साल में लगभग आप 10 से 20,00,000 रुपीज यहाँ पर डिविडेंड के रूप में भी प्राप्त करते थे। ये था सिर्फ 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मैजिकल रिटर्न। तो ऐसे ही मैजिकल रिटर्न वाले स्टॉक को ढूंढते रहना है आपको स्टॉक मार्केट में। हम भी कई सारे स्टॉक्स आपको चैनल पर बताते रहते हैं, जिसमें बस आपको बने रहना है, फिर कंपाउंडिंग के बेनिफिट के कारण आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आप के लिए इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए।